हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता जो बनता है आपके और हमारे बीच में इन वीडियोस के थ्रू। आज इस वीडियो में मैं क्या लेकर आई हूँ भाई, फ्री जो है विंटर कलेक्शन मीशो पे आ गया है, तो मुझे लगा चले ये ही जो है आज की वीडियो में लेके आती हूँ। तो मेरे पास वन बाय वन जो है उस प्री कलेक्शन में से, वैसे बेसिकली जो है मैंने श्रग को पिक किया। श्रग इस तरीके के कुछ श्रग है, वो उन्हें श्रग कहते हैं। उसको आप किसी भी यानी कि अपने स्पेगेटी या फिर कट स्लीव्स यानी कि जिनका स्लीवलेस टॉप होते हैं उनके ऊपर पहन सकते हैं फॉर प्री विंटर। ये प्री विंटर के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए जी वन बाय वन देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स जो हैं वो आ गए हैं, तो वन बाय वन उनको चेक करते हैं कि वो उनकी क्वालिटी क्या है, प्राइस के अकॉर्डिंगली क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहले पैकेट ले लेते हैं ये वाला, तो ओपन करके देख लेते हैं। और प्राइस जो है वो मैं इसका बता दूंगी, वैसे मैं इसका स्क्रीन पे भी लगा दूंगी प्राइस जो है वो, वन बाय वन चेक कर लेंगे। मैं मोबाइल पर भी चेक करके यानी कि चेक करके देखूंगी कि बाय नहीं किया था। हाँ, किया था, याद आ गया मुझे कुछ इन बीड्स के साथ, जिसमें बीड्स लगे हुए हैं उससे मुझे याद आ गया, नहीं मैंने ब्लैक कलर का जो श्रग है वो बाय किया है। तो ये श्रग मैं वैसे ओपन करके सबसे पहले दिखा देती हूँ, बाय किया है मैंने इसको। तो चलिए ओपन करके देख लेते हैं इसको। ये है ब्लैक कलर का श्रग, वाह, मुझे थोड़ा सा ना क्वालिटी में अच्छा लगा है, एकदम ओपन करते मुझे अच्छा लग रहा है ये। इट्स वाव, बीड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। तो प्राइस जो है वो है इसका 213। ओह माय गॉड, 213, आई लाइक इट। तो फैब्रिक के अकॉर्डिंगली 213 प्राइस जस्टिस कर रहा है, बल्कि उससे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। बीड्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो इसकी फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी। चलिए जी मैं सबसे पहले जो है इसकी डिटेलिंग आप पास से देखें, पास से अगर आप देखें ना तो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, अच्छा लगा। तो पास से चुने इस तरीके का ये फैब्रिक है, मुझे लगता है कैमरा जस्टिस कर रहा है इसके फैब्रिक को। इसमें पॉकेट्स भी हैं, वाह यस, ये रहे इसके पॉकेट्स। पॉकेट्स अंदर से भी देख लेते हैं, तो पॉकेट्स जो है ये इसके पॉकेट्स है, दोनों तरफ इसके पॉकेट है। और इस पे जो है बीड्स दिए गए हैं जो कि अंदर से इस तरीके से जो है दिखाई दे रहे हैं कि इस तरीके से इसे अटैच किया गया है अंदर से। बिशप स्लीव्स नहीं है इसकी, फुल स्लीव्स है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए जी इसको पहन कर भी देख, फैब्रिक जो है इसका कॉटन ब्लेंड है, मैं इतना खूबसूरत लग रहा है, पहन के कैसा लगता है वो हम जरूर देख लेते हैं। तो चलिए जी पहन के देख लेते हैं। तो अपना सेकंड पैकेट जो है वो भी ओपन करके देख लेते हैं कि वो कैसा है। ये कौन सा है और इसका प्राइस क्या है वो भी देख लेते हैं। ये है मैरून कलर का, ये है मैरून कलर का लॉन्ग श्रग है, ये जो है ये है लॉन्ग श्रग, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के लॉन्ग श्रग। मेरे पास हैं दो तीन हैं ऐसे जी, कलर देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, वाइन कलर है ये, बरगंडी कलर यानी कि वाइन सा कलर है ये। ना ही मैं इसे लॉन्ग बोलूंगी, मीडियम, मतलब ना लॉन्ग है ना ही शॉर्ट है, मीडियम है। वाह इसका एक प्लस, वाह इसकी स्लीव्स पे डिजाइन है, इसकी स्लीव्स पे डिजाइन नजर आ रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा देखिए डिटेलिंग भी देख लेते हैं इसकी, एक एक डिटेल बता देती हूँ मैं आपको। तो इसकी जो स्लीव्स है, सबसे पहले स्लीव्स की बात करें, फुल स्लीव्स है, स्लीव्स पे ना कुछ इस तरीके की डिटेलिंग दी गई है, इस तरीके का डिजाइन, मतलब चुंटे जिसको बोलते हैं ना, वो उस तरीके का डिजाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और फैब्रिक जो है यहाँ पे जो नजर आ रहा है, हाँ ये दूर से जो है ये डार्क वाइन कलर है, वाइन कलर है, बहुत अच्छा कलर है, अच्छा लग रहा है यार ये, नाइस। पॉकेट चेक करनी पड़ेगी यार, पॉकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं इसमें पॉकेट नहीं है। तो जो इसके डिजाइन इसकी उस पे है, स्लीव्स पे है, वही डिजाइन जो है इसके फ्रंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल चेस्ट के इस तरफ यहाँ पे ये डिजाइन, सेम डिजाइन जो है जो इसकी स्लीव्स पे है वही इसके यहाँ पे भी डिजाइन दिया हुआ है, आपको आगे से दिखा देते हो, ये देखिए बिल्कुल। फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक बहुत अच्छा है, चेक कर लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है, सबसे पहले प्राइस और फैब्रिक चेक कर लेते हैं, इसका फैब्रिक और प्राइस क्या है। 360 इसका प्राइस है, और स्मॉल जो साइज लिया था मैंने, पहले वाले का साइज नहीं बताया वो मैं बता दूंगी, इसका साइज जो है वो है स्मॉल, मैंने स्मॉल लिया क्योंकि मेरी जो बर्स्ट है वो 34 है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे स्मॉल साइज दिया है। चलो पहन के देख लेते हैं कि इसकी फिटिंग सही आती है या नहीं आती है, लेकिन उससे पहले मैं जो इसकी डिटेल्स दी हुई है वो जरूर पढ़ना चाहूंगी। कॉटन ब्लेंड है, फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक जो है वो कॉटन ब्लेंड है, और साइज जो है स्मॉल जो है उसमें बर्स 38 और लेंथ 35 दी हुई है, इसमें स्मॉल मीडियम और लॉन्ग का जो सॉरी जो लार्ज है उसका लेंथ जो है वो और बर्स साइज जो है वो सेम है, 38 एंड लेंथ जो है वो 35। बस डिटेलिंग में कुछ यही है इसके और कुछ नहीं है, बाकी हम इसको पहन के देख लेते हैं कि ये पहन के किस तरीके से दिखता है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है इसकी, स्टिचिंग में कोई इशू नहीं है। प्राइस मैं बता चुकी हूँ, इसका प्राइस जो है वो 322 है, 322 प्राइस है इसका। और ब्रांड की बात करूँ तो युगा, युगा इसका ब्रांड नेम है, युगा या इसको जो है हम युगा ही जो है प्रोनाउंस करेंगे। पॉकेट इसमें नहीं है, पॉकेट बिल्कुल नहीं है, और जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब किसी ड्रेस में जो है पॉकेट नहीं होती है, आई लव पॉकेट। चलिए जी पहन के देख लेते हैं कि ये दिखता भी कैसा और इसकी फिट्स भी कैसे आते हैं मुझे। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा निकल के आता है, पैकेट कौन सा ओपन करें। चलिए जी ये वाला पैकेट मैं ओपन करने वाली हूँ, तो ये कौन सा स्टॉक है, ओपन करना। मतलब विंटर सीजन में ना कुछ अगर हम स्टॉक पहनते हैं तो हम कई ऐसे टॉप है जिनको हम पहन सकते हैं, जो कि हमारे समर वाले जिनके स्लीवलेस होते हैं या फिर स्पेगेटीज होती हैं, हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्पेगेटीज होती हैं, वो हम पहन नहीं पाते हैं, नई ली होती है। कई बार मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि विंटर आने वाला होता है और मैंने जो होती है वो नई स्लीवलेस टॉप ली होते हैं और उनको पहनना मुश्किल हो जाता है विंटर में। तो भाई उसका हल है ऐसे शक जो है आपका वो मसला हल कर देंगे, आप उनको पहन सकते हैं प्री विंटर पर ही। तो ये है वाइट कलर का श्रग, ये थोड़ा सा मतलब नेटी नेटी सा लग रहा है, चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये है कुछ इस तरीके का श्रग, इस पे इस तरीके की पिक्चर भी बनी हुई है, वाह नाइस, अच्छी लग रही है पिक्चर, बहुत अच्छी लग रही है, श्रग भी बहुत ज्यादा अच्छा है। बटन क्लोजर दिया हुआ है लेकिन नीचे बटन कोई भी नहीं है, ऊपर बटन क्लोजर दिया हुआ है, और साइज जो है इसका स्मॉल साइज, मैंने स्मॉल साइज लिया है। इसका प्राइस देख लेते हैं, फुल स्लीव्स है इसकी, फुल बिनी, ये जो है 3/4 स्लीव्स है, फुल स्लीव्स नहीं कहूंगी, ये जो है 3/4 इसकी स्लीव्स है, और प्राइस जो है इसका 315 है, मैंने अंडर 300 बोला था तो वैसे ये अंडर 300 ही है, क्योंकि डिस्काउंट करके मुझे सब जो है 200 something में मिले हुए हैं, इसलिए मेरे लिए तो ये 300 अंडर ही है सब। चलिए पहन के देख लेते हैं।
गया, वाइन कलर भी हो गया, तो अब नेक्स्ट ट्रक कौन से कलर का है वो देख लेते हैं। ये कौन से कलर में है तो चेक करते हैं फटाफट हमारे नेक्स्ट ट्रक का कलर, प्राइस एंड फैब्रिक। अच्छा लग रहा है, ये कौन सा है, ये मैंने मंगवाया है, देखना पड़ेगा। यस यस यस, ये मैंने मंगवाया है और ये जो है इसका प्राइस, ये मुझे 399 का पड़ा है। प्राइस की बात मैं सबसे पहले कहूंगी, ये सबसे कॉस्टली वाला था इन सभी में जो मैं अंडर 300 बोल रही थी। एक्चुअल में ये जो है मुझे सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ा, 399। एक्चुअल में इसका कॉस्ट जो ये दिखा रहे हैं ये 410 और मुझे ये मिला था 399। चलिए जिसे ओपन करके देख लेते हैं। फैब्रिक वगैरह जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ इसकी डिटेलिंग। ये सबसे पहले जो है इसका लुक देख लेते हैं, ये लुक पाइए किस तरह। आ रही है किसकी आ रही है, इसमें स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है जो कि मुझे नहीं अच्छी लगी। बाकी अगर मैं इसकी ये ना सी थ्रू है। हाँ, प्री विंटर के लिए बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि प्री विंटर में इतनी ज़्यादा कुछ जो है आपको ठंड नहीं लगती है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन स्मेल की वजह से मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है। आई डोंट नो क्यों इसमें स्मेल आ रही है, बट प्रिंट वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे टॉप जो है मार्केट में बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये वाला तो। और इसका इस तरीके से जो स्लीव्स है, स्लीव्स जो है 3/4 इसकी स्लीव्स है, प्लस इसमें यहाँ पे बटन क्लोजर दिया हुआ है, इस तरीके से डिजाइन दी हुई है, ये अच्छी लग रही है, ये नाइस है, इसका डिजाइन अच्छा दिया हुआ है। पॉकेट की बात करूँ तो पॉकेट जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन है कि इसमें पॉकेट बिल्कुल नहीं दी हुई है, मैं अंदर से देख लेती हूँ। इसमें पॉकेट दी हुई है, हाँ पॉकेट दी हुई है, पॉकेट इसमें है, बिल्कुल है जी पॉकेट है। सिंगल तरफ है या दोनों, के दोनों तरफ आपको पॉकेट मिल जाएगी, दोनों तरफ पॉकेट मिल जाएगी। अब मैं ना ये प्रिंट आपने देखा होगा, आपने बहुत बार मीशो पे इस तरीके का टॉप भी देखा होगा, इवन तो मार्केट में भी मैंने इस प्रिंट के टॉप बहुत ज्यादा देखे हैं। तो ये जो कपड़ा है यानी ये फैब्रिक जो है वो मैं देख रही हूँ फैब्रिक कौन सा है, प्लस ये वाला फैब्रिक, ये वाला प्रिंट जो है मार्केट में बहुत ज्यादा इन है, हर कोई इस टॉप में आपको नजर आ जाएगा, इवन आपको मार्केट में भी इस तरीके के टॉप नजर आ जाएंगे कई शॉप पर। अब जो इसका प्राइस है वो 376 शो हो रहा है, 376 शो हो रहा है, मुझे ये 399 से मिला था। तो प्रिंट बहुत अच्छा है, प्रिंट अच्छा है, कोई इशू नहीं है। विस्कोस रेयॉन जो है बहुत अच्छा जो है फैब्रिक होता है, उसमें ना ही गर्मी लगती है। चलो पहन के देखते हैं, बाकी इसके बारे में ज्यादा मैं क्या बोलूँ क्योंकि प्रिंट मैंने बहुत ज्यादा देख लिया है, तो मुझे ऐसा हो रहा है नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट बहुत ज्यादा देख लिया है मार्केट में। बहुत सारी गर्ल्स को ना इस प्रिंट में टॉप पे देख लिया है तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है, और स्मेल बहुत गंदी सी आ रही है यार इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको पहन के दिखा दूंगी कि किस तरीके से इसकी फिट्स आ रहे हैं, स्मॉल साइज है, फिट कैसा आ रहा है। अब बारी आ जाती है अपने नेक्स्ट ट्रक की, वो कौन सा है, तो वो है ये, लेकिन इसका पैकेट ना काफी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे ओपन कर दिया था पहले, तो कुछ इस तरीके की टेप इस पे लगी हुई है, आई डोंट नो शायद ओपन किया है नहीं किया है कुछ नहीं पता, लेकिन हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये ब्लू कलर का ट्रक आ गया है, ट्रक का कलर बहुत प्यारा है, कलर बहुत अच्छा है इसका, तो इसको ओपन करके देखेंगे, साबिक बार ही देखेंगे साबिक कैसा है इसका। तो कलर जो देखें इसका कलर बहुत अच्छा, मुझे कलर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा उन सबसे वो थोड़े से डार्क कलर हैं और थोड़ा सा वाइट कलर था, ये बिल्कुल सा डिफरेंट सा कलर आ गया। तो चलिए जी, मेरे पास वैसे इस कलर में अभी फिलहाल कुछ नहीं है इसलिए मैंने इसको ले लिया था, मुझे लगा ब्लू कलर जो है वो अच्छा लगेगा, वैसे मुझ पर सूट करेगा ये ब्लू कलर कॉस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे स्लीव्स की बात करूँ, सबसे पहले मैं स्लीव्स की बात इसलिए करूँ क्योंकि प्री विंटर है, स्लीव्स ज़रूरी हैं, तो स्लीव्स जो है इसकी फुल स्लीव्स हैं, कुछ ट्रक की जो है 3/4 थी और इसकी फुल स्लीव्स है। और पॉकेट की बात करें तो पॉकेट मस्ट है, पॉकेट बिल्कुल इसके दोनों साइड पे पॉकेट दी हुई है जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है। कॉलर टाइप की इसकी जो है ओपनिंग है, बटन क्लोजर इसमें नहीं दिया हुआ है। फैब्रिक की बात करूँ, फैब्रिक जो है इसका कॉटन ब्लेंड है, इसका मुझे ऐसा लग रहा है कॉटन ब्लेंड है, लेकिन मैं इसका प्राइस प्लस जो है फैब्रिक देख रही हूँ कि इसका फैब्रिक कौन सा है, क्या है 232 प्राइस पे, 232 प्राइस पे शायद मुझे इसके इससे भी कम पे मिला है, मुझे लगता है मुझे इससे कम पे मिला है 230, हाँ अरे मुझे ज़्यादा मिला है, ये इसका प्राइस डाउन हुआ है 234 पे मुझे मिला है ये एक्चुअल में, और इसका 254 प्राइस था, अभी जो है इसका प्राइस
कम हो गया है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको जाकर अभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका प्राइस जो है 232 है और डिस्काउंट्स की बात तो और ज्यादा कम होने वाला है। तो जल्दी से इसे पहन के भी देख लेते हो। और इसके स्टिचिंग की बात करो तो स्टिचिंग बहुत अच्छी है, अंदर जो है इसकी डिटेलिंग की इस तरीके स्टिचिंग की डिटेलिंग देखें तो इस तरीके की जो है इसकी इंटरलॉक किया हुआ है। होप आपको मेरा आज का ये वीडियो और ये स्ट्रग हॉल जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें। अगर आपको कोई क्वेरी है, मतलब आप इस स्ट्रग्स के बारे में या फिर कोई और बात मुझसे करना चाहते हो, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि मेरी और भी कई वीडियोज जो है वो आने वाली है और उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल बटन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।